दोस्तों आज की कहानी है बेटा तेरी भाभी तो मुझे खाने को एक रोटी भी नहीं देती। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। भाभी जी उस सामने के घर में कौन रहता है? रूपा बड़े बेकार से लोग हैं। उस घर के बच्चे तो बच्चे बुजुर्ग भी बदजुबान और बदतमीज एक साल से देख रही हूँ इन्हें। सुबह से शाम तक चार बार ही दरवाजा खुलता है। एक बार जब घर का मालिक बाहर जाता है, दूसरी बार जब बच्चे स्कूल जाते हैं, तीसरी बार जब बच्चे वापस आते हैं और चौथी बार जब मालिक वापस आता है। अरे अजीब लोग हैं, औरतें भी कभी बाहर नहीं निकलती, या औरत है ही नहीं, होगी क्यों नहीं। रूपा बीवी है, माँ है, शनिवार रविवार को कभी कभी बाहर दिख जाती है। आपकी कभी बात वही उन लोगों से एक बार आंटी को नमस्ते किया था और पूछा था कैसी तबीयत है आपकी। आंटी तो अजीब ढंग से बोली ठीक है, खराब होती तो या नहीं अस्पताल में होती ना, बताओ। ऐसे भी कोई जवाब देता है क्या रूपा? और वह भाभी तो सामने से निकल जाती है। एक दो बार मैंने हाथ भी हिलाया, मुस्कुराई भी, पर उधर से ना कोई जवाब मिला, ना चेहरे पर ही कोई भाव आए, तो मैंने भी छोड़ दिया। मुझे क्या पड़ी है भाई, अच्छा किया भाभी जी जो मुझे उनके बारे में बता दिया। मैं तो एक दो दिन में उनसे मिलने जाने का सोच रही थी, मिठाई का डब्बा लेकर। आखिर एक ही फ्लोर पर है हम और सबसे पास के पड़ोसे भी, पर कोई खुद मिलने जुलने में रुचि ना रखे तो किसी को क्या मतलब। तुम्हें आए अभी 15-20 दिन ही हुए हैं ना रूपा, कुछ महीनों में तुम्हें खुद भी पता चल जाएगा। खैर मैं चलूं, कोई जरूरत हो तो फोन कर देना, ठीक है? विनीता ने जाते हुए कहा। दरवाजे तक विनीता को छोड़ने आई रूपा सामने वाले घर की तरफ देख ही रही थी, तभी उस घर का मालिक आया। दरवाजा खुला व अंदर वापस बंद। खैर सर्दियों के दिन शुरू हो चुके थे। संडे के दिन बाल धोने के बाद रूपा छत पर जा बैठी थी, तभी काफी कड़ा शवर सुनाई दिया। नीचे से जीने से जाग कर देखा रूपा ने सामने वाले घर का मालिक लिफ्ट के सामने खड़ा बहुत बुरी तरह से डांट रहा था अपनी माँ को। क्यों, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो कि रट लगा कर यात्रा खराब कर रही हो? आज संडे है तो ले जा रहा हूँ तो थोड़ा बहुत घुमाने फिराने अपने परिवार को। इनको हमारे पीछे पड़ने के अलावा कोई काम भी है क्या? दुनिया में बच्चे पीछे से आ रहे, चलिए ना, क्या इनकी बातों में पड़ रहे हैं? हमें साथ बाहर जाता देख इनको जलन हो रही है। और क्या, अंदर से आती सजी सवरी उनकी पत्नी भी सास के खिलाफ जहर उगलती आई। और हाँ, दरवाजा तभी खोलना जब हम लोग वापस आइए, नहीं कि मटर गश्ती करने निकल जाना बाहर। बेटे ने पहले से भी ज्यादा कड़े स्वर में कहा उनके बच्चों के निकलने के बाद। जाने क्यों रूपा का मन किया कि उनके घर जाए, वैसे भी उनके बेटे बहू के स्वर से लग रहा था कि वह शाम से पहले नहीं आने वाले। एक बार लगा कहीं दरवाजा ही नहीं खोला तो, दूसरी बार लगा अगर कहीं जोर से झिड़क दिया तो, फिर भी मन नहीं माना तो जाकर बेल जा ही दिया। क्या है, कोई घर में नहीं है? मुझे पता है आंटी, मैं तो आपसे ही मिलने आई हूँ, कुछ टिप्स लेना था। रूपा ने झूठ बोल दिया। मुझसे मिलने क्यों, मैं किसी काम की हूँ? जो कोई मुझसे कुछ पूछेगा जाओ, बेकार का मेरा और अपना समय मत बर्बाद करो आंटी प्लीज।
5 मिनट लूंगी आपका, बस देखिए मेरी माँ या सास होती तो उनसे पूछ लेती, पर दुर्भाग्यवश कोई नहीं है। वरदा ने 2 मिनट सोचा, फिर दरवाजा खोल दिया। झट से जाकर रूपा पेन पेपर ले आई। इंटरव्यू लेने आई हो क्या मेरा? अरे नहीं आंटी, मैं पत्रकार थोड़ी ही हूँ, बस आपसे पूछने आई थी कि 5 किलो आम का असर अगर डालना हो तो क्या क्या और कितने मसाले डलेंगे। आज शाम को लाने जाऊंगी, अगर आप बता देती तो। रूपा ने देखा आंटी के चेहरे का तनाव थोड़ा कम हुआ और उन्होंने उसे अंदर आकर बैठने कहा। रूपा ने देखा वहाँ एक प्लेट रखा था जिसमें सूखी रोटी और पानी जैसे दाल की एक कटोरी थी। आंटी वह प्लेट अंदर रख आई और फिर याद कर कर के रूपा को मसाले बताने लगी। आंटी आपका यही बेटा है क्या? सिर्फ या फिर और भी बच्चे हैं? बस यही है, इसी का तो फायदा उठाता है। आंटी बड़बड़ाई, फिर मसाले और उनके माँ वो बताने लगी। ज़्यादा बात तो नहीं कि उस दिन आंटी ने अपने और अपने परिवार वालों के बारे में, पर जब रूपा जाने लगी तो उससे ये जरूर कहा, तुम सारी तैयारियां करके रखना, जिस दिन मुझे मौका लगेगा आकर असर डाल दूंगी और तुम सीख भी लोगी। रूपा सारा सामान ले आई और आंटी की प्रतीक्षा करने लगी। 4 दिन बाद ही आंटी को अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर रूपा को बहुत अच्छा लगा। देखो मेरी बहू 1 आध घंटे में लौट आएगी, तो जल्दी कर लो आंटी, क्यों डरती हैं आप अपनी बहू से इतना? मेरी भी तो सास थी ना, कभी उन्होंने मुझ पर रोब दाब दिखाया, ना ही मैंने कभी उन्हें डराने की कोशिश की। तेरा पति अच्छा होगा, मेरा तो बेटा ही, खैर छोड़ो ये सब बातें। कहकर आंटी जल्दी जल्दी आशा डालकर चली गई। आंटी फिर आना, मौका लगे तो आना, रूपा ने कहा। आए दिन कभी सामने का दरवाजा खुलता तो निकलने वाले लोग सही बेटा हो, बहू हो या फिर पोते पोती दादी को डांटते हुए बाहर निकलते बेसारी वरदा। कोई और उपाय नहीं, तभी तो इनके साथ रहती है। एक दिन जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई तो रूपा ने देखा आंटी अंदर वाला दरवाजा पीट रही है। दरवाजा तो खुला था पर ग्रिल बार से लॉक था। शायद क्या हुआ आंटी, आप ठीक तो है ना? मुए आज मुझे बार से ही ताला लगाकर चले गए, मैंने कहा भूकंप आ गया तो क्या करूंगी, तो बोला अच्छा ही होगा दबकर मर जाना। कह कर फफक पड़ी बेसारी आंटी। आप मत रोइए, जब तक वो नहीं आते मैं यही कुर्सी लगाकर आपसे बात करूंगी, और घबराए मत, कोई भूकंप नहीं आएगा। अभी खाना खाया आपने? 2 रोटियां थी खाली। सुबह ही रूपा ने अपने घर से 2 आलू पराठे जो उसने अपने लंच के लिए बना रखा था ग्रिल के रोड़ों के बीच से उसने आंटी की ओर बढ़ा दी। थोड़ा हिसकते हुए आंटी ने ले लिया और जल्दी जल्दी खाने लगी। भूखी थी बेसारी। फ्रिज और सामानों के कपबोर्ड में भी ताला लगा जाती है। वह बस एक डब्बे में मेरे खाने के लिए थोड़ा बहुत और 4-5 पानी की बोतल ही रहती है, बार खाकर पानी पीती। आंटी ने कहा आंटी एकलौता बेटा है तो क्या आप बोलती क्यों नहीं अपने अधिकारों के लिए, और ये इतना ही अन्याय करते आप पर तो कहती क्यों नहीं? वरदा आश्रम पहुंचा है आपको, फिर उसका मनोरंजन कैसे होगा? मुझे डांट कर लताड़ कर बेइज्जत करने में तो दिन भर व्यस्त रहती है, मैं चली गई तो निठली नहीं हो जाएगी? आपके बेटे कुछ क्यों नहीं कहते? पत्नी से वह जोरू का गुलाम क्या कहेगा, वह तो खुद उसके साथ रहते रहते बद जुबान हो गया है। तो वह कहते हैं वही दोहराता है, उसकी पत्नी ही दुनिया में सबसे सच्ची है और माँ सबसे बड़ी झूठी, कभी मेरा पक्ष सुनता ही नहीं। कुछ बोलना सब तो कहेगा सुप रहे, मुझे पता है तुम कैसी है, सच में बहुत बुरी हूँ मैं, तभी तो
तुझ जैसी संतान पर भरोसा कर। दूसरी संतानी नहीं की बोलते बोलते आंटी की आंखें भर आई और वह वहीं बैठ गई। शुरू से ही ऐसे थे क्या ये भैया? नहीं, शादी के बाद जब मेरे पति गुजर गए और मैं इनके पास आकर रहने लगी, तब दुख में से महीने तक ना कुछ बोली और ना कुछ की। उसी दरमियान औरत ने इतना कान भरा कि ये मुझे दुश्मन समझने लगा अपना। पर फिर भी बेटा, मैं औरत की गलती नहीं मानती। औरत कभी बुरा नहीं होती, वह तो दूसरे घर की होती है, सास को नहीं जानती। गलत तो उसकी झूठी सच्ची शिकायतों पर भरोसा करने वाला और अपनी माँ को गलत समझने वाला पुरुष होता है। बिना पुरुष के पकेर सड़ियो एक औरत कैसे उसकी माँ को अपमानित कर सकती? अरे, माँ का पक्ष नहीं लड़ सकता, ना लड़ पत्नी को भी नहीं रोक सकता, ना टोक पर खुद तो उसकी भाषा में ना वो सही कर रही है। आंटी, मेरी दादी भी कहती थी, औरत को बुरा पुरुष का से ही बनाता है। अगर पहले दिन भाई साहब कह देते कि अपनी माँ की बुराई में नहीं सुनूंगा तो बात इतनी बढ़ती ही नहीं। और सिर्फ बेटे बहू ही नहीं, पोते पोती तक भी मेरी बेइज्जती का एक मौका नहीं छोड़ते। ये देखकर और मन घूरता है। सलो, मेरी तो ऐसे ही कटी है, मरते दम तक यही सलेगा। रोटी के लिए धन्यवाद बेटा, बहुत स्वादिष्ट बनी थी। सलो, तुम भी कितनी देर तक बैठी रहोगी? देखो ना, जिंदगी की लीला हर दिन मौत की तरह करती है, फिर भी मौत का डर लगता है। भूकंप वाली बात याद कर आंटी के चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट आई। वो लोग कहाँ गए और कब तक वापस आएंगे? रूपा ने पूछा। मुझे तो बताया नहीं है, पर फोन पर पोती को किसी से बात करते सुना था कि पालतू कुत्ताने जाएंगे। मम्मी जो दादी की वजह से हमेशा परेशान और डिप्रेशन रहती है, घर में पप्पी रहेगा तो उसमें उलझी रहेगी, व्यवस्थ रहेगी। दरवाजा बंद करती रूपा का मन सोच सोच कर खराब हो रहा था। दादी के परेशान करने का इलाज कुत्ता लाकर किया जाएगा। कभी उस दादी को एक इंसान का दर्जा देकर तो देखे, पर वो कहते हैं ना, जानवरों को तो जानवरों का साथ ही भाएगा ना। सास तो ठहरी इंसान।